अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस कोर्स ऑन सॉलिड मैकेनिक्स। आई एम हसनैन दानिश एंड आई एम गोइंग टू बी योर इंस्ट्रक्टर फॉर दिस कोर्स। नाउ इन लेक्चर 10 आई एम गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट डेवलप्ड हुक्स लॉ इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्स्टेंट्स एंड इनवर्स फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्स्टेंट्स। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने हुक्स लॉ और इनवर्स फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ की इक्वेशन को ड्राइव किया था होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक इलास्टिक बॉडी के लिए, और आज के लेक्चर में भी हम हुक्स लॉ और इनवर्स फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ को ड्राइव करेंगे इन टर्म ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्स्टेंट। लेकिन इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले हम इंजीनियरिंग कॉन्स्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये इंजीनियरिंग कॉन्स्टेंट क्या होते हैं और इसको कैसे डिफाइन करते हैं और इसे कैसे डिनोट करते हैं। अमूमन सॉलिड मैकेनिक्स में हम तीन तरह के इंजीनियरिंग कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज यंग मॉडुलस, सेकंड इज पॉइसन रेशियो एंड थर्ड इज बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब यंग मॉडुलस होता क्या है? ये रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब सिग्मा 11, सिग्मा 22, सिग्मा 33 और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब एप्सिलॉन 11, एप्सिलॉन 22, एप्सिलॉन 33। और यंग मॉडुलस को हम y या e से डिनोट करते हैं। अगर हम यूनि एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो यंग मॉडुलस इस तरह दी जाती है e इक्वल टू सिग्मा 11 ओवर एप्सिलॉन 11 और e इक्वल टू सिग्मा 22 ओवर एप्सिलॉन 22 और e इक्वल टू सिग्मा 33 ओवर एप्सिलॉन 33। सेकंड डेफिनेशन इज पॉइसन रेशियो। इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल न्यू। और यूनि एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं न्यू इक्वल टू नेगेटिव एप्सिलॉन 33 ओवर एप्सिलॉन 11 और न्यू इक्वल टू नेगेटिव एप्सिलॉन 22 ओवर एप्सिलॉन 11। एंड थर्ड डेफिनेशन इज बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो होती है और इसको हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अब हम हुक्स लॉ को डेवलप करना सीखेंगे इन टर्म ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्स्टेंट्स। लेक्चर 9 में हमने होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक बॉडी के लिए हुक्स लॉ को ड्राइव किया था इन टर्म ऑफ लैम्स कॉन्स्टेंट, जो कि ये है सिग्मा आई जे इंटू लैमडा इंटू क्रॉनिकल डेल्टा आई जे इंटू एप्साइलन के के प्लस 2 म्यू इंटू एप्साइलन आई जे। हेयर लैमडा एंड म्यू आर कॉल्ड द लैम्स कॉन्स्टेंट एंड कॉल इट इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 को इंजीनियरिंग कॉन्स्टेंट के टर्म में डेवलप करने के लिए हम लैम्डा और म्यू को यंग मॉडुलस e और पॉइसन रेशियो म्यू की टर्म में लिखेंगे। इसके लिए हम कुछ इस तरह से करेंगे कि i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1 के लिए हमारी इक्वेशन नंबर 1 बिकम दिस सिग्मा 11 इक्वल टू लैम्डा क्रॉनिकल डेल्टा 11 इंटू एप्सिलॉन के प्लस 2 म्यू एप्सिलॉन 11। अब यहां हम क्रॉनिकल डेल्टा की डेफिनेशन को यूज करेंगे। सो क्रॉनिकल डेल्टा 11 इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन के यहाँ डमी इंडेक्स है, इसलिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एप्सिलॉन 11 प्लस एप्सिलॉन 22 प्लस एप्सिलॉन 33। सो वी गेट सिग्मा 11 इक्वल टू लैम्डा इनटू 1 इनटू एप्सिलॉन 11 प्लस एप्सिलॉन 22 प्लस एप्सिलॉन 33 प्लस 2 म्यू इनटू एप्सिलॉन 11। यहाँ एप्सिलॉन के की जगह पर एप्सिलॉन 11 प्लस एप्सिलॉन 22 प्लस एप्सिलॉन 33 लिख देंगे। After solving these and taking common epsilon 11 from here and here, so we will get this. Sigma 11 equal to lambda plus 2 mu into epsilon 11 plus lambda epsilon 22 plus lambda epsilon 33 and call it equation A. Similarly, इसी तरह से अब equation 1 को I equal to 2 और J equal to 2 के लिए solve करेंगे. So we get sigma 22 equal to lambda into epsilon 11 प्लस लैम्डा प्लस 2 म्यू इंटू एप्सिलॉन 22 प्लस लैम्डा इंटू एप्सिलॉन 33 एंड कॉल इट इक्वेशन बी। और अब इसी तरह से इक्वेशन 1 को हम i इक्वल टू 3 और j इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करेंगे। सो वी विल गेट सिग्मा 33 इक्वल टू लैम्डा इंटू एप्सिलॉन 11 प्लस लैम्डा इंटू एप्सिलॉन 22 प्लस लैम्डा प्लस 2 म्यू इंटू एप्सिलॉन 33 एंड कॉल इट इक्वेशन सी। अब हुक्स लॉ को इंजीनियरिंग कॉन्स्टेंट की टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारी जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो यूनिएक्सियल है, मतलब वन डायमेंशन है। सो यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए यहाँ तीन पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज इफ सिग्मा 11 इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन वहाँ पर बाकी तमाम स्ट्रेसेस जीरो के इक्वल होगी,
मतलब सिग्मा 12, सिग्मा 21, सिग्मा 13, सिग्मा 31, सिग्मा 23, सिग्मा 32, सिग्मा 22, सिग्मा 33 इक्वल टू 0 होगी। इसी तरह से सेकेंड पॉसिबिलिटी इज इफ सिग्मा 22 इज नॉट इक्वल टू 0, देन सिग्मा 12, सिग्मा 21, सिग्मा 13, सिग्मा 31, सिग्मा 23, सिग्मा 32, सिग्मा 11 एंड सिग्मा 33 इक्वल टू 0 होगी। और थर्ड पॉसिबिलिटी इज इफ सिग्मा 33 इज नॉट इक्वल टू 0, देन सिग्मा 12, सिग्मा 21, सिग्मा 13, सिग्मा 31, सिग्मा 23, सिग्मा 32, सिग्मा 11, सिग्मा 22 इक्वल टू 0 होगी। और हमें यह भी पता है कि यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए हम यंग मॉडुलस E और पॉइजन रेशियो न्यू को इस तरह डिफाइन करते हैं। फॉर यंग मॉडुलस E इक्वल टू सिग्मा 11 ओवर एप्सिलॉन 11 और सिग्मा 22 ओवर एप्सिलॉन 22 और सिग्मा 33 ओवर एप्सिलॉन 33। एंड फॉर पॉइजन रेशियो न्यू इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन 22 ओवर एप्सिलॉन 11 और माइनस एप्सिलॉन 33 ओवर एप्सिलॉन 11 एंड कॉल इट इक्वेशन 2। नाउ अब हम इक्वेशन ए बी और सी को सॉल्व करेंगे फॉर यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए। फॉर दिस हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी को कंसिडर करते हैं वेयर सिग्मा 11 इज नॉट इक्वल टू 0 और बाकी तमाम की तमाम स्ट्रेसेस 0 के इक्वल हैं, मतलब सिग्मा 22 और सिग्मा 33 इक्वल टू 0 हैं। सो इक्वेशन ए बी एंड सी बिकम दिस। फ्रॉम इक्वेशन ए वी गेट सिग्मा 11 इक्वल टू लैम्डा प्लस 2 म्यू इंटू एप्सिलॉन 11 प्लस लैम्डा इंटू एप्सिलॉन 22 प्लस एप्सिलॉन 33। फ्रॉम इक्वेशन बी 0 इक्वल टू लैम्डा इंटू एप्सिलॉन 11 प्लस एप्सिलॉन 33 प्लस लैम्डा प्लस 2 म्यू इंटू एप्सिलॉन 22। फ्रॉम इक्वेशन सी 0 इक्वल टू लैम्डा इंटू एप्सिलॉन 11 प्लस एप्सिलॉन 22 प्लस लैम्डा प्लस 2 म्यू एप्सिलॉन 33 एंड कॉल इट इक्वेशन डी ई एंड एफ। नाउ अब हम इक्वेशन डी ई और एफ को ऐड करेंगे और हम यहां से एप्सिलॉन के की वैल्यू को फाइंड करेंगे इस तरह से। सिग्मा 11 इक्वल टू लैम्डा प्लस 2 म्यू इंटू एप्सिलॉन 11 प्लस एप्सिलॉन 22 प्लस एप्सिलॉन 33 प्लस 2 लैम्डा इंटू एप्सिलॉन 11 प्लस एप्सिलॉन 22 प्लस एप्सिलॉन 33। टेकिंग कॉमन एप्सिलॉन 11 प्लस एप्सिलॉन 22 प्लस एप्सिलॉन 33 फ्रॉम हेयर एंड हेयर वी विल गेट दिस। सिग्मा 11 इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इंटू एप्सिलॉन 11 प्लस एप्सिलॉन 22 प्लस एप्सिलॉन 33। यहां एप्सिलॉन 11 प्लस एप्सिलॉन 22 प्लस एप्सिलॉन 33 को हम टेंसर फॉर्म में एप्सिलॉन के से डिनोट कर सकते हैं। सो वी विल हैव 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इंटू एप्सिलॉन के व्हिच इंप्लाइज दैट एप्सिलॉन के इक्वल टू सिग्मा 11 ओवर 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू एंड कॉल इट इक्वेशन जी। नाउ अब हम एप्सिलॉन के की वैल्यू को सिग्मा 11 की इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो वी विल हैव सिग्मा 11 इक्वल टू लैम्डा इंटू सिग्मा 11 ओवर 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 2 म्यू इंटू एप्सिलॉन 11। अब सिग्मा 11 को सेपरेट लिखकर कॉमन ले लेंगे। सो वी विल हैव सिग्मा 11 इंटू 1 माइनस लैम्डा ओवर 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 2 म्यू इंटू एप्सिलॉन 11। सॉल्व दिस लेफ्ट हैंड साइड फ्रैक्शन। वी विल हैव सिग्मा 11 इंटू 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू ओवर 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 2 म्यू इंटू एप्सिलॉन 11 एंड कॉल इट इक्वेशन एच। नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन बाय एप्सिलॉन 11। सो वी हैव सिग्मा 11 ओवर एप्सिलॉन 11 इक्वल टू 2 म्यू इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू ओवर 2 इंटू लैम्डा प्लस म्यू। यहां लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी सिग्मा 11 ओवर एप्सिलॉन 11 यंग मॉडुलस को शो करती है। सो इसको हम ई से डिनोट कर देंगे और 2 को कैंसिल कर देंगे। सो वी विल गेट ई इक्वल टू म्यू इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू ओवर लैम्डा प्लस म्यू एंड कॉल इट इक्वेशन 3। हेयर इक्वेशन 3 शोज द रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस ई एंड लैम्प्स कॉन्स्टेंट लैम्डा प्लस म्यू। और अब भी इक्वेशन 3 में लैम्प्स कॉन्स्टेंट लैम्डा और म्यू की वैल्यूज अननोन है। सो इसकी वैल्यूज आप किस तरह फाइंड करेंगे अब वो समझते हैं। फ्रॉम इक्वेशन ई वी हैव लैम्डा इंटू एप्सिलॉन 11 प्लस एप्सिलॉन 22 प्लस एप्सिलॉन 33 प्लस 2 म्यू इंटू एप्सिलॉन 22 इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि ये टर्म्स एप्सिलॉन 11 प्लस एप्सिलॉन 22 प्लस एप्सिलॉन 33 को हम एप्सिलॉन के की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी विल गेट लैम्डा इंटू एप्सिलॉन के प्लस 2 म्यू इंटू एप्सिलॉन 22 इक्वल टू 0। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन के फ्रॉम इक्वेशन जी सो वी विल हैव दिस।
लैम्डा इंटू सिग्मा 1 1 ओवर 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इंटू एप्सिलॉन 2 2 इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन एच वी हैव सिग्मा 1 1 इक्वल टू 2 म्यू इंटू एप्सिलॉन 1 1 इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू ओवर 2 इंटू लैम्डा प्लस म्यू। नाउ कैंसिल 2 वी विल गेट सिग्मा 1 1 इक्वल टू म्यू इंटू एप्सिलॉन 1 1 इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू ओवर लैम्डा प्लस म्यू। Now substitute sigma 1 1 from this expression, so we will have this lambda over 3 lambda plus 2 mu into 3 lambda plus 2 mu into epsilon 1 1 over lambda plus 2 mu into epsilon 2 2 equal to 0. Cancel 3 lambda plus 2 mu, we get lambda into mu over lambda plus mu into epsilon 1 1 plus 2 mu into epsilon 2 2 equal to 0. Now separate both terms and divide it by epsilon 1 1, we will get this minus epsilon 2 2 over epsilon 1 1 equal to lambda into mu over 2 mu into lambda plus mu. Cancel mu, we get lambda over 2 into lambda plus mu. So which implies that nu equal to lambda over 2 into lambda plus mu, and call it equation 4. Here equation 4 shows the relationship between the Poisson ratio and the Lamb's constant lambda plus mu. Now अब equation 4 से हम lambda की value find करेंगे इस तरह से. Separate lambda value from here, we get lambda equal to 2 nu into lambda plus mu, which implies that lambda minus 2 nu into lambda equal to 2 nu mu. Taking common lambda, we get lambda into 1 minus 2 nu equal to 2 nu mu. Divide both side by minus 2 nu, we get lambda equal to 2 nu into mu over 1 minus 2 nu, and call it equation 5. अब equation 5 में mu की value को find करने के लिए हम equation 5 को equation 3 में substitute कर देंगे. So we will get E equal to mu into 3 into 2 nu into mu over 1 minus 2 nu plus 2 mu over 2 into nu into mu over 1 minus 2 nu plus mu. Taking common mu into numerator and denominator, we get E equal to 2 mu square into 3 nu over 2 minus 2 nu plus 1 over mu into 2 nu over 1 minus 2 nu plus 1. Taking LCM this term, we will get this 2 mu square into 3 nu plus 1 minus 2 nu over 1 minus 2 nu mu into 2 nu plus 1 minus 2 nu over 1 minus 2 nu. After solving this, we will get this 2 mu square into 1 plus nu over 1 minus 2 nu over mu into 1 over 1 minus 2 nu. Cancel mu and 1 minus 2 nu terms, we will get this E equal to 2 mu into 1 plus nu. Separate the value of mu, we get mu equal to E over 2 into 1 plus nu, and call it equation 6. Here equation 6 shows the nu in term of engineering constant E plus nu. Now substitute equation 6 in equation 5, we get lambda equal to 2 nu over 1 minus 2 nu into 3 over 2 into 1 plus nu. Cancel 2, which is equal to E into nu over 1 minus 2 nu into 1 plus nu, and call it equation 7. Here equation 7 shows the lambda in term of engineering constant E and nu. Now substitute equation 6 and equation 7 in equation number 1, we get sigma ij equal to E into nu over 1 minus 2 nu into 1 plus nu into canonical delta ij epsilon kk plus 2 into E over 2 into 1 plus nu into epsilon ij. Cancel 2, we get sigma ij equal to E into nu over 1 plus nu into 1 minus 2 nu canonical delta ij epsilon kk plus E over 1 plus nu epsilon ij, which shows the Hooke's law in term of engineering constant E and nu. Next, अब हम inverse form of Hooke's law को find करेंगे in term of engineering constant. Previous lecture में हमने inverse form of Hooke's law को derive किया था in term of Lamb's constant, जो कि ये है epsilon ij equal to 1 over 2 mu into sigma ij minus lambda over 2 mu into 3 lambda plus 2 mu into canonical delta ij sigma kk. Now अब इस equation को engineering constant में change करने के लिए हम lambda और mu की values को substitute कर देंगे equation 6 और equation 7 से. So we will get this equation.
epsilon ij equal to 1 over 2 into e over 2 into 1 plus nu into sigma ij minus 1 over 2 into e over 2 into 1 plus nu into 3e nu over 1 minus 2 nu into 1 plus nu plus 2 into e over 2 into 1 plus nu into e into nu over 1 plus 2 nu into 1 plus nu canonical delta ij sigma kk. Now cancel 2. We will get epsilon ij equal to 1 over e over 1 plus nu into sigma ij minus 1 over e over 1 plus nu 3e into nu over 1 plus 2 nu into 1 plus nu plus e over 1 plus nu into 3 into nu over 1 plus 2 nu into 1 plus nu into canonical delta ij sigma kk. Now taking LCM this term, we get epsilon ij 1 plus nu over e sigma ij minus 1 over e over 1 plus nu into 3e into nu plus 3 into 1 plus 2 nu over 1 minus 2 nu into 1 plus nu into 3 into nu over 1 plus 2 nu into 1 plus nu canonical delta ij sigma kk. Here multiply e this bracket, we get sigma ij equal to 1 plus nu over e sigma ij minus 1 over e over 1 plus nu 3e nu plus e minus 2 into e into nu over 1 plus 2 nu 1 plus nu into 3 into nu over 1 plus 2 nu into 1 plus nu canonical delta ij sigma kk. Solve this equation, we get sigma ij 1 plus nu over e sigma ij minus 1 over e over 1 plus nu into e 3 nu plus 1 minus 2 nu over 1 minus 2 nu into 1 plus nu into 3 into nu over 1 plus 2 nu into 1 plus nu canonical delta ij sigma kk. Now subtract this term and multiply by e into e, we get sigma ij equal to 1 plus nu over e sigma ij minus 1 over e square over 1 plus nu nu plus 1 over 1 minus 2 nu into 1 plus nu into 2e into nu over 1 minus 2 nu 1 plus nu canonical delta ij sigma kk. Now solving this term, we will get this epsilon ij 1 plus nu over e into sigma ij minus 1 minus 2 nu into 1 plus nu square over e square into nu plus 1 into e into nu over 1 minus 2 nu into 1 plus nu canonical delta ij sigma kk. Cancel like terms, we will get epsilon ij equal to 1 plus nu over e sigma ij minus nu over e canonical delta ij sigma kk, which shows the inverse form of Hooke's law in term of engineering constant. Thank you.